रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शानी के किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ और उम्मीद यही कि आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा खुशाबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स दाल, जिसके लिए ये मैंने तीन किस्म की दालें ली हैं। चने की दाल ये मैंने एक कप ली है, आधा कप मैंने मूंग की दाल और आधा कप मसूर की दाल। इन तीनों दालों को मैंने तकरीबन एक घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और ये प्याज लिए एक दरमियाने साइज़ की और ये तकरीबन तीन दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, इनको भी मैंने इस तरह चॉप कर लिया। और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट ये मैंने 2 टीस्पून लिए। और जो स्पाइसेस हम इसमें डालेंगे, ये इसमें साबुत मसाला है, जिसमें दालचीनी है, लौंग और ये तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कुकर में हम इसको बनाएंगे। कुकर में मैंने तकरीबन ये 1 कप ये कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें हम सबसे पहले हम अपने साबुत मसाले डालेंगे और ज़ीरा, इनको हम हल्का सा भुनेंगे। हल्का सा ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा इसको ब्राउन कर लेंगे। अरे थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, लाइट ब्राउन से हमने इनको करना है। अब हम इसमें अपना लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हमारा फ्राई हो गया, अब हम इसमें अपने ये सारे स्पाइसेस डाल देंगे, मसाले सारे। हम अपने ये टमाटर शामिल करेंगे। जब तक हमारे टमाटर सही अच्छी तरह गल नहीं जाते, हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। टमाटर हमारे थोड़े से नरम हो गए हैं, अब साथ ही हम अपनी ये चने की दाल इसमें शामिल कर देंगे। चने की दाल हम पहले डालेंगे और इसको थोड़ी देर भून लेंगे, क्योंकि चने की दाल गलने में ज़रा टाइम ज़्यादा लेती है और बाकी दालें जल्दी गल जाती हैं। इसको हम थोड़ी देर इसमें भूनेंगे। भून लिया, अब हम इसमें अपनी बाकी की दोनों दालें भी शामिल करेंगे और इनको भी थोड़ी देर भूनेंगे, थोड़ा सा बस भूनेंगे। दालें डाल के भी हमने इसको थोड़ी देर भून लिया, अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी 2 कप हमारी दाल थी, तो अब हम इसमें तकरीबन 4 कप पानी शामिल कर देंगे। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कुकर में पकाएंगे। 15 मिनट हमने इसको कुकर में पकाया और ये हमारी सारी दालें अच्छी तरह देखिए गल गई हैं। अब हम इसको मज़ीद हल्की आंच पे थोड़ी देर इसको सही थोड़ी सी 5-1 मिनट हम इसको पकाएंगे, ताकि ये गाढ़ी हो जाए सही, और साथ में हम अपना तड़का भी तैयार कर दें। तड़के के लिए हमने ये हरी मिर्ची ली हैं 6-7 तक, और साथ में ये गोल वाली ये साबुत मिर्चें ये ली हैं, और ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 कप देंगे, 1 टीस्पून। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे और अपना तड़का तैयार कर लेंगे। 2-1 मिनट हमने सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया और ये हमारा मज़ेदार सा तड़का तैयार है। ये देखिए इसमें इस दाल हमारी ने 5-1 मिनट इसको गाढ़ा किया, और साथ में हमने थोड़ी सी खुश्क मेथी डाली है, और साथ ही ये तड़का डाल के ये हमारी दाल तैयार होगी। और हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें, ये मज़ेदार सी हमारी मिक्स दाल तैयार हो गई है। ये बहुत मज़े की बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी नई और मज़ेदार सी डिश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।